नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर उजाला यादव यूपी आजमगढ़ के धरती से। हमार बिरहा बेब कंपनी के माध्यम से जात बा। हमारे बड़े भैया सतीश राय जी के देख रेख में हमें आशा ना पूरा विश्वास बा। जैसे आप लोग हर बिरहा के प्यार दुलार सम्मान आशीर्वाद आप लोग देला, हमके ई भी विश्वास बा कि आप लोग ए भी बिरहा के अपन आशीर्वाद जरूर दी है। ए बिरहा में आप लोगों की है सुने के मिली कि एक इंसान कैसे हैवान बन जाता है। हमारे घर की आपकी घर की बहन बेटी आखिर कैसे सुरक्षित रहेंगी, पूरा बिरहा सुनिएगा तब पता चलेगा। हाँ, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि बिरहा आप लोगों को लगी कैसे। आइए चार लाइन भूमिका में भावा मास्टर साहब। जुर्म जालिम जमाने में रपता रुपे जल रही है चिता रोज चिंता सताए, रोज खबरे छपे रंगीन अखबार में जल रही अस्मिता रे पलाइन लगाए, खौप खाते नहीं ये दरिंदे है कैसे, सख्त शासन का देते निकाली दिवाला, अरे आखिर उम्मीद किस से करे खुदा, कभी भैया लाल हाथ जोड़े उजाला। कितना गिर गया है, हर इंसान की बात नहीं करती हूँ, कुछ इंसान ऐसे हैं जो डेली गलत काम करते हैं लेकिन अपने में सुधार नहीं लाते हैं। आपको पता है कि आप गलत करेंगे उसका बुरा अंजाम आपको मिलेगा, फिर भी गलत आखिर क्यों लोग करते हैं, जरा आप लोग गौर करिए बाबू। ऐश भी रहे को आप लोग दिल लगा करके सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इंसान में सुधार जरूर आएगा। बाबा कैसे मास्टर साहब, एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल बा। बसिए की और दुनिया है इसी संसार के नीचे, भाव पर गौर करी कहना बका मास्टर साहब। गरीबी घर की माला है अमीरी तान के चादर, कहां से कैसे लिहल गई मास्टर साहब तनी आवा तो। कसूर करके कोई सीना रोज फुलाता है, कसूर करके कोई सीना रोज फुलाता है, गरीब
असुर मारा जाता है। हवस के अंधे काम गंदे रोज करते हैं, मिले इंसाफ ना लाचार रोज मरते हैं। खाने में क्या बदनामी है, ए बाबू आप लोग कहानी पर गौर करी। बाबा जिला हमीरपुर के रहे वाला सुरेश, सुरेश अपने पूरे परिवार के साथ कानपुर घाटमपुर भट्ठा पर जाय के बाबू मजदूरी करत रहलन, मतलब वो भट्ठा पे ईटा पाथे का काम करत रहलन। धीरे धीरे समय बीतल बा, सुरेश के वो भट्ठा पर से छुट्टी मिलल बा। सुरेश एक बार अपने गावे हमीरपुर गए हुआ तो सुरेश से मिले बदे सुरेश का साला अयले जेकर नाम बतावल गल बाबू सुजीत। सुजीत अपने जीजा सुरेश से वो बात कहत हूँ। अच्छा कौन बात कहत हूँ, गीत लगल बा मास्टर से। चल राजा माय के नौकरिया लगवाए दी, बाबू सुजीत अपने जीजा सुरेश से कहलन। क्या कहला मास्टर साहब? सुना जीजा हमारो नौकरिया लगवाए दा, बिटिया के शादी खातिर कुछ काम आए दा, बिटिया के छता मवाएगा। सुना जीजा हमारो नौकरिया लगवाएगा, ठेकेदार से बात कैला आके घाटमपुर हो, मेहनत करे लया दा दुख भाई दूर हो। अपने जीजा सुरेश से कालन की जीजा बिटिया सयान हो गई बा, यहाँ के मजदूरी से परिवार सही से चल ना पावत बा। जो ना भट्ठा पे आप काम करेला वही अगर हमरो काम लगवा देता तो हमारे शादी में बहुत बड़ा हेल्प हो जाता। सुरेश कहले कि ठीक बा सुजीत, हम जात बानी अपने सेठ से बात करबे और ठेकेदार से जब बात करबे अगर तैयार हो जाइए तो फोन करब तो चलिए। बाबा सुरेश अपने पूरा परिवार के लेके बाबू
अपने जहाँ भट्ठा पर काम करत रहलन घाटमपुर पहुँच गईलन बाबा जाए के ठेकेदार से बात कैलन कि साहब अगर कुछ मजदूर का जरूरत हो तो हमारे संपर्क में एक जने हवन कहीं तो साहब बुला ले। ठेकेदार कहे कि ठीक बा यहाँ तो मजदूरों का काम ही बे करे बुला लीजिए कोई बात नहीं है लेकिन अच्छा होना चाहिए जो काम धंधा बढ़िया से कर ले। ए बाबू सुरेश फोन कैलन अपने साला सुजीत के फोन कई के सुजीत के बाबू घाटमपुर भट्ठा पर बुला ललन बाबा सुजीत अपन पूरा परिवार अपने बेटी बेटा अपने औरत के लेके सुजीत पहुंचले कहां घाटमपुर भट्ठा पे। अब सार बहनोई मिल के बाबू वो भट्ठा पे काम करत हुआ। धीरे धीरे समय बीतल एक दिन का बात बा आप लोग जानी लजे भाई भट्ठा पर काम कैले हुई हो के तो बढ़िया से पता बा जे ना कैले बा तो आज से आप लोग जान जाई जे भट्ठा पर काम करेला जो ईटा उटा लोग पाथेला आप लोग देखेला ना उके पथेरा बोलल जाला। तो महीना भर काम करबा हफ्ता में एक दिन खर्चा मिली कुछ रुपया मिली जोन जाए के बाजारे से राशन पताई महीना भर के लिया के घरे धैला। तो राम रूप ओ भट्ठा का ठेकेदार हफ्ता में पैसा देहलन आ हर पाथे वाले के देहलन एक ट्रैक्टर के टाली पर सब लोग 10-15-20 लोग सवार भइलन वही में बाबू सुजीत सुरेश सुरेश का परिवार सुजीत का परिवार बाबा लेकिन दू गो लड़की ना गई जेकर नाम बतावल गल नेहा और आरती। बाबा सुजीत का एक लड़की नेहा और सुरेश का लड़की आरती दोनों लड़की सयान ही घरे हई बाकी सब लोग 10-15 लोग मिल के बाबू गए हुआ मार्केट करे बदे। धीरे धीरे शाम भयल आ जब शाम भयल मास्टर साहब तब का भयल गीत बदल गई लेकिन वही भट्ठा पर जो झोपड़ी बनाई कि आप लोग देखेला भट्ठावा पर केहू के महल ना रहले कोई कच्चे ईटा का दीवाल बनाई के प्लास्टिक डाल के मड़ई डाल के वही बेचारे पथेरा ईटा पाथे वाले अपन जीविका बितावेलन। अब वही झोपड़ी में दोनों लड़की हैं एक लड़की सुरेश के एक लड़की सुजीत के तबले बाबू राम रूप ठेकेदार का बेटा जिसका नाम बताया गया रज्जू रज्जू के बुआ का लड़का संजू अपने कुछ दोस्तों के साथ उस सुरेश और सुजीत के झोपड़ी पर बाबू पहुंच जाते हैं। दारू पिए हैं हाथ में दारू का बोतल लिए हैं कहते हैं क्या कहते हैं नेहा और आरती से मास्टर साहब आवा आवा ये बबुनिया बहरे आवा जवानी के जोश में होश खोई गई ले जाम का प्याला दोनों ओठ पर लगावल
रज्जू है। जब से सुजीत आए थे उस भट्ठा पर काम करने के लिए बाबू, सुजीत की बेटी जिसकी शादी पड़ी थी नेहा बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। उसके सुंदरता पर राजू मरता था लेकिन कुछ कहता नहीं था, सिर्फ मौका का तलाश ढूंढता था पापी। जिस दिन मैंने बताया कि सारे लोग गए हैं मार्केट करने के लिए, उस दिन अच्छा मौका उस रज्जू को मिला। रज्जू अपने बुआ के लड़का संजू के साथ और कुछ दोस्तों के साथ दारू पीता है और उसके बाद बाबू दारू का बोतल ले करके पहुंच जाता है कहां, नेहा और आरती के पास, वही झोपड़ी पर पहुंचता है जो पहले मैं बताई बाबू कि कच्चा ईटा का झोपड़ी बनाई के पथेरा लोग अपन जीवन बितावेलन। बेचारी दोनों लड़की देखती है शाम का बेला, बस डर जाती है, अंदर जाकर के अपने चचरा को बंद कर लेती है। चचरा का मतलब जो बांस का बना होता है दरवाजा। अब ये पापी करते क्या है, रज्जू और संजू दोनों लात से मारते हैं बाबू वो चचरा, वो गेट टूट जाता है, अंदर दोनों घुस जाते हैं और निकाल लेते हैं असलाहा। असलाहा निकाल करके उन दोनों बच्चियों को बाबू डरवाने लगते हैं कि जल्दी करो अपने कपड़े को उतारो, और नहीं उतारोगी तो अभी तुरंत गोली मार दूंगा। बेचारी मारे डरने बाबू के अपन जान प्यारा ना बा, दोनों बेचारी अपने कपड़ा के सोचत थे कैसे उतारी, शर्म आवत बा। तब तक के पापी मीच कमीने अपने ही हाथ से बाबू दोनों बच्चियों का कपड़ा फाड़ देते हैं। कपड़ा फाड़ने के बाद जो हाथ में दारू लिए थे जबरदस्ती वो दोनों बेचारी आरती और नेहा को जबरी पिला देते हैं। जब वो पापी दारू के जबरदस्ती पिलाते हैं नेहा और आरती को, धीरे धीरे बाबू दारू असर करे लगल, दोनों बिटिया के भैया हो चक्कर आवे लगल। चक्कर आवत बा जमीन पर दोनों बेचारी गिर गई है, हाथ जोड़त है कि भैया हम लोगों के साथ ऐसा कुछ मत करिए, नहीं तो जीते जी हम लोग मर जाएंगे। फिर भी वो कमीने नहीं मानते हैं, नंगा करके आरती और नेहा को उसी घर में उसी झोपड़ी में बाबू वीडियो बना लेते हैं। अब वीडियो बनाने के बाद वो पापी करते हैं क्या, कापत बा शरीर नेहा और आरती के रोई के वो पपियवन से कहत कही, मास्टर साहब गीत बदल गई हो। निमिया का पेड़ा जानी कटी हाये बाबा, निमिया चिरैयन के पासे हो, और नेहा रो करके बाबू हाथ जोड़ती है और गिड़गिड़ाती है, कहती है क्या कहती है उन पापियों से, रोई रोई बेटी खाली कहाँ है बतिया, रोई रोई बेटी खाली कहाँ है बतिया, छोड़दा आशा मतिया हमारे, गारी पावन का इह बसा थतिया, हमहन गारी पावन का इह बसा थतिया, देवाई जतिया बचाओ,
वही पापी लाखा कैली गोहारावा। रज्जू और राजू अपने दोस्तों के साथ, बाबू आरती और नेहा के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद वीडियो बनाते हैं, कुछ तो वीडियो नंगा करके पूरे घर में दौड़ा दौड़ा के बनाए, और कुछ वीडियो बाबू बलात्कार कर रहे थे उस समय पापी बना रहे थे। अब वीडियो बना करके नेहा और आरती को दिखाते कि अगर किसी से बताओगी तो ये वीडियो हम लोग वायरल कर देंगे, नहीं तो किसी से बताना मत। आ इतना कह के बाबू वो पापी निकल जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतल, मार्केट से बाबू सब लोग आयल बा, अपने अपने घरे सब पथेरा जात हुए। अयहर सुजीत सुरेश अपने घर में जब बाबू अयले परिवार के साथे, तो देखत हुआ दोनों लड़की डरत है, सहमल है, कापत है, रोवत है। पिताजी पूछले कि अरे बेटा नेहा क्या हुआ, कुछ तो बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बताने भर की हिम्मत नहीं है बाबू, हाथ जोड़ करके रोने लगती है कि बाबूजी जीना जिंदगी में अब मुश्किल है। सुरेश कहले कह रहे बेटा क्या हुआ, कुछ बताओगी तब ना मैं जानूंगा, अभी तो हम लोग मार्केट जा रहे थे, तुम दोनों सही थी, क्या हुआ बताओ। बेचारी आरती और नेहा रो करके बाबू बताती है क्या, अरे मोरे राम इज्जतिया आज धोखे में गईल, नशा में गईल, नशा जगवल कुल का थपिया, अरे हो थपिया, अरे हो थपिया। नेहा कहती पापा मैं क्या बताऊं, ठेकेदार राम रूप का बेटा रज्जू और रज्जू के बुआ का लड़का संजू अपने कुछ दोस्तों के साथ आए और हाथ में दारू का बोतल लिए थे, हम दोनों बहन को जबरदस्ती दारू पिला दिए, उसके बाद हम लोगों का कपड़ा फाड़ दिए, बिना वस्त्र का हम दोनों की वीडियो बना लिए और हम लोगों के साथ में गलत काम करके वीडियो बना के चले गए बाबू। बाप रे बप्पा, इतनी बात जब बाबू सुरेश और सुजीत सुलन आप बबूला हो गई लग, कौन बाप बर्दाश्त करी जो उन बाप सुनी कि हमारे बिटिया का इज्जत लुटायल, चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे, अपने इज्जत का सबके डर होला। गुस्सा में लाल बाबू सुरेश और सुजीत सार बहनोई दोनों अपने ठेकेदार राम रूप के पास पहुंचते हैं, तो जाते हैं हाथ जोड़ लेते हैं, देखिए गरीबी जवन न चाहे करा ले। अपने ठेकेदार राम रूप के सामने जाकर के बाबू सुरेश और सुजीत हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अरे भैया ठेकेदार आप हम लोगों के मालिक हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं,
गरीब के पास कुछ ना होला, खाली इज्जत होला। ओ साहब, ठेकेदार राम रूप बोला कि क्या कहना चाहते हो, ये बताओ किस लिए आए हो, क्या बात है बोलो। कल है साहब, आपका बेटवा रज्जू और संजू कुछ दोस्तन के साथ जाए के, हमारे बिटियन के साथ है, नेहा और आरती के साथ है, गलत कुछ काम कैले, कपड़ा उतरवा के वीडियो बना ले हुए। हम चाहती साहब वो वीडियो डिलीट करवा दी, हमरे बिटिया नेहा का शादी पड़ल बा, ससुराल वाले नेहा के देखिए तो सदिया ना करिए साहब, बस यह रिक्वेस्ट करे बदनी है, वीडियो डिलीट करवा दी साहब। गुस्सा में लाल ठेकेदार लात खींच करके बाबू दोनों व्यक्ति को मार देता है, डांट कर कहता है क्या मास्टर साहब गीत बदल गई बा, अरे बोला गरज करके बोली, अरे बोला गरज करके बोली, भाग नहीं तो मार देब गोली, पर सब कर पिकालाई मनवा, का कर बखोली रोज चोली, अरे का कर बखोली रोज चोली, भगा नहीं तो मार देब गोली, और सुरेश के दरवाजे से डांट फटकार के भगावे लगलन। कल अगर जाना हो तो जाओ, शर्म नहीं आ रही है बेकूफ कहीं के, मेरा बेटा गलत है, ये तुमको नहीं पता कि तुम्हारी बेटी स्वयं गलत है, क्यों तुम्हारी बेटी कपड़ा उतारी, क्या मेरा बेटा जबरदस्ती कर रहा था, देखा ये बाबू सुरेश सिरौरी करत हो कि साहब आपका लड़का हमरे घरे गईलन, अजाय के साहब उ लोग दरवाजा तोड़ के अंदर घुस के हमरे बिटिन के साथे ऐसन काम कैलन, गलत काम कैले, कपड़ा उतार के वीडियो बनौलन, फिर भी वो राम रूप मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ठेकेदार बोलता कि तुम्हारी बेटी गलत है, मेरा बेटा है, एक नहीं हजार लोगों की चोली खोलेगा, एक नहीं हजारों लड़की के साथ रेप करेगा, तुम्हारा क्या जाता है, जाओगे कि यार राइफल उठाऊं, अब भी खड़े खड़े खत्म कर दूंगा साले, लाचार बापे बाबू। वापस आई गई ले सुजीत सुरेश दोनों लगे, जब अपने झोपड़ी में आई ले, ना खात हुआ ना पियत हुआ, चिंता के माले रात भर नींद ना आई, पूरा परिवार में सन्नाटा छाए गल बा, सोचत हो कि अब यहाँ रहब हमहन के लिए खतरा से खाली ना बा, लेकिन ए भैया धीरे धीरे समय बीतल, आ ई खबरिया रज्जू और संजू के मिलल कि आरती और नेहा का पिताजी आए लला हमरे पापा के पास, आई के वो रहना देत रला। रज्जू और संजू दोनों मिलके बाबू प्लान कैलन, आ प्लान का करथो मैं, संदेशा भेजवा दल आरती के और नेहा के बाबा कि आना उसी भट्ठे पर जो बबूर का पेड़ है ना, उसी के पास में आना, हम दोनों भाई रहेंगे और तुम लोगों के सामने हम लोग इस वीडियो को डिलीट करेंगे, और नहीं आओगी तो वायरल कर देंगे वीडियो। बेचारी नेहा सोचती है कि शादी पड़ी है, नहीं अगर डिलीट लोग करेंगे तो मेरे ससुराल वाले देखेंगे तो मेरी शादी टूट जाएगी, मरता क्या नहीं करता बाबू। नेहा और आरती परिवार से झूठ बोल के, लेटरिंग बाथरूम का झूठ बोल करके बाबू दोनों बेचारी
चली जाती है रज्जू और संजू के पास। आ जब रज्जू संजू के पास नेहा आरती पहुंचली, जाय के भैया हो हाथ जोड़ के आरती और नेहा कहती कि भैया मेरे ससुराल के लोग देखेंगे, मेरी शादी टूट जाएगी, भैया प्लीज वीडियो डिलीट कर दीजिए। बारे ओ कमीने, कितने निकम्मे थे बाबू, प्लान पहले से सारा कुछ बनाए थे, दारू का बोतल लिए थे, साथ में भांग लिए थे, कुछ इंजेक्शन लिए थे। जैसे ही नेहा और आरती पहुंचती है, जबरदस्ती ठीक उसी प्रकार जबरी दारू पिला देते हैं और भांग खिला देते हैं, वो इंजेक्शन भी पापी लगा देते हैं। नेहा और आरती के हाथ पैर को बांध देते हैं बाबू। फिर ठीक उसी प्रकार दोनों बेचारी का कपड़ा फाड़ करके दोनों लड़कियों के साथ बाबू रज्जू और संजू बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद सोचते हैं कि साबूत मिटाना बहुत जरूरी है, ना रही बांस ना बाजी बांसुरी। दोनों लड़कीन का बाबू गला दबाई के मारे शुरू कैलन। अभी बेचारीन के का पता, ये दोनों सोचत रहलीन कि हम आन जाई वीडियो डिलीट कर दिए सामने, कोई से कुछ कहल ना जाई। लेकिन पपियावा नटई दबा के बाबू जब मारे शुरू कैलन, बेचारी हाथ जोड़ करके दोनों रोती है। गौर से सुनिएगा बाबू, पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा। कैसे रोई के का कहती मास्टर साहब, नटैया भैया बानी के कसाई हालर बानी के कसाई आओ निकल जाई हमनी के पारा। छुपाने के लिए वो पापी रज्जू और संजू जब रेप कर लेते हैं, उसके बाद वो बेचारीन का गला दबा के भैया हो मारल चाहता हूं कि अपन जान प्यारा ना रही। दोनों बेचारी हाथ जोड़ के रोवती, भैया मत वीडियो डिलीट करिए, वायरल कर दीजिए, लेकिन हम लोगों को मारिए मत, छोड़ दीजिए, मम्मी पापा सुनेंगे हमारी मौत को, तड़प तड़प के मर जाएंगे, भैया मत मारिए, मत मारिए भैया मत मारिए।
लेकिन उन पापियों को थोड़ा से दर्द नहीं आई बाबू, जबरदस्ती गला दबाव करके आरती और नेहा को मार देते हैं। अब मारने के बाद वो पापी करते हैं क्या, जरा गौर करिएगा। धीरे धीरे शाम भयल, यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, घरवा सब लोग घबरात बा, नेहा मिलत ना बा, आरती ना मिलत बा, आखिर दोनों लड़की बाटी कहाँ, वही भट्ठा पर खोजहरिया होत बा, इनके घरे उनके घरे कुछ भी पता ना चलल। धीरे धीरे बाबू जब सुबह भेल बा, तब का भेल मास्टर साहब, के अब ससिया फसिया लागल बा, पीट पीट के छतिया रोवे, माई बाबू बहिनी भाई हो, घाटमपुर थाने में जाके रिपोर्ट दिए लिखवाई हो, पुलिस ना मुजरिम का तलसिया फसिया लागल बा, आवे नन्हे हयाती के अब ससिया फसिया लागल बा। क्षेत्र में खबर फैल गई बा कि दू गो लड़की ओई भट्ठा पे बबूरे के पेड़े में फांसी पर लटकल है। अच्छा, वो फांसी पर बेचारी अपने आप थोड़ी ना लटकल रही, वो पापी नीच कमीना रज्जू और संजू बलात्कार करने के बाद गला दाब करके मार देते हैं। उसके बाद उसी दुपट्टे में बाबू गर्दन को बांध करके उस बबूरे के पेड़ में टांग देते हैं, ताकि कल ये पता चले कि दोनों लड़की अपने आप आत्महत्या कर ली हैं। जब खबर बाबू क्षेत्र में फैलल बा, थाने पर दरोगा साहब के खबर मिलल कि दो लड़की खाटमपुर भट्ठे पर फांसी पर लटकी हुई मिली हैं। दरोगा साहब जाते हैं, दोनों लाश को बाबू पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। बाबा यार सुजीत और सुरेश दोनों लोगों को बाबू दरोगा साहब लेकर के चले जाते हैं थाने पर। दरोगा साहब रिपोर्ट लिखते हैं कैसे क्या हुआ। दरोगा साहब के सामने बाबू सारी बात को सुजीत और सुरेश बता देते हैं। रिपोर्ट तो लिखा गई, अब पुलिस का काम बा कि दोनों अपराधी जो बलात्कारी हैं, उन बलात्कारियों का पता लगाया जाए कि कौन कौन उसमें शामिल थे। जो दो लोगों का नाम तो सामने आ रहा है, रज्जू और संजू, बाकी और कौन थे अभी उनका पता नहीं चल रहा है। पुलिस भी शांत हो गई, लेकिन यार जो राम रूप ठेकेदार है बाबू, वो सुजीत और सुरेश को धमकी पर धमकी देने लगा। अब गौर करिए, लाचार पिता हो गए कि यार दरोगा साहब सुन नहीं रहे हैं, उन अपराधियों को खोज नहीं रहे हैं, इधर राम रूप ठेकेदार का बाबू बार बार धमकी आ रही है, धमकी मिल रही है। लाचार पिता करते हैं क्या मास्टर साहब, अरे कैसन समाज, कैसन व्यवस्था भैया, छाता नारा रो जला दे भैया।
पाप करगा राफरो जब बढ़े भैया कांड होत बाबा रोज रोज अपराधी अपराध करत हवे रोज पेपर में पढ़ाई के मिलत बा कि अपराधी अपराध कैले आजीवन कारावास हो गेल 6 महीना खातिन जेल में बंद 10 महीना खातिन जेल में बंद आ ज्यादा बहुत बड़ा अपराधी बात इनकाउंटर हो जात बा बाबा बुलडोजर से घर गिर जात बा लेकिन फिर भी क्राइम होते बा क्राइम कम होखे का नाम न लेत बा लोगों की डर कहाँ चली गई ए भैया जब वो गरीब बाप के सुनवाई ना भइल थाना पर वो गरीब पिता के न्याय का आशा टूट गई जा करके बाबू आत्महत्या कर लेते हैं कि जिंदगी जीने से बढ़िया है कि मर जाना ही अच्छा है कैसे मैं मुंह दिखाऊंगा मेरी बेटियों का बलात्कार हुआ नंगा करके वीडियो लोग बनाए लेकिन प्रशासन के लोग सोए हैं अभी तक वो बलात्कारियों का पता नहीं लगा पाए इसी सोच में इसी चिंता में बाबू बेचारा उस बेटी के बाप फांसी पर लटक जाते हैं आत्महत्या कर लेते हैं बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा विचार करिए गौर करिए कभी भैया लाल जी संकेत करत हुन जरा आप लोग विचार करिएगा का कहलन मास्टर साहब अरे गरीब मजदूर का टूटला सहारा भैया कैसे बचिहाई जाती है बेचारा भैया बचिहाई जाती है बेचारा भैया
बाए बाबू, हमार बहन बिटिया, आपका बहन बिटिया आखिर कैसे सुरक्षित रही है? आज के कुछ इंसान ऐसे हैं बाबू, देखने में इंसान है लेकिन अंदर से वो शैतान है बाबा। आज का इंसान का भयवान बन जाएगा बाबू, ये कोई गारंटी नहीं है बाबा। हमारी बहन बेटी सेफ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ उन माता पिता से जो अपने बेटी पर निगरानी रखते हैं, तो प्लीज आप अपने बेटा पर भी निगरानी रखिए। बेटी को समझाते हैं कि बेटी घर से बाहर जाना तो सर पे दुपट्टा रख लेना, सर नीचे करके जाना, किसी से ज्यादा बातें मत करना, ज्यादा हंसी मजाक मत करना, ये आप अपने बेटियों को समझाते हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि अपने बेटा को भी सीख दीजिए कि बेटा अगर किसी की बेटी रोड पे जा रही है तो उसको सबसे पहले अपनी बहन मान लो बाबा। जिस दिन हर एक इंसान दूसरे के बहन बिटिया के देख के अपन बिटिया अपन बहन माने शुरू कर दी है, वो दिन से बाबू शायद ही क्राइम कम हो जाएगी, बंद हो सकेला। हर इंसान सिर्फ दूसरे के बहन बिटिया के अपन बहन बिटिया मान के चले। हमरे बिरहा का आखिरी लाइन बा मास्टर साहब, गुरु बिहारी गणेश चंद्र का बेटी अनमोल खजाना, राम दरस यौधु दादा मुन्ना प्यारे लाल के पूजे जमाना।